अजमेर में 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ हर उम्र के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शिविर में अभिनय, गीत और भजन के जरिए संस्कृत भाषा को सिखाया जा रहा है, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। संस्कृत भारती अजमेर महानगर द्वारा संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए बालकों में, युवाओं में और वृद्धों में, सभी वर्गों के पुरुषों में, स्त्रियों में संस्कृत के प्रति एक अनुराग उत्पन्न हो, संस्कृत सीखने की प्रवृत्ति बने, इसलिए सप्त दिवसीय संस्कृत सम्मेलन शिविर यहाँ लगाया जा रहा है। इस शिविर में आकर ऐसा लगा कि पूरा वातावरण संस्कृतमय हो गया है और जो छोटे छोटे बालक बालिका यहाँ अपना प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि निश्चित रूप से संस्कृत का भविष्य उज्ज्वल है। जो हमारा 10 दिन का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को सरल माध्यम से, प्रायोगिक तरीके से, संरचनात्मक सृजनात्मकता के माध्यम से विद्यार्थियों तक संस्कृत संभाषण सिखाने का कार्य कर रहे हैं। इसमें हम गीत के माध्यम से, कथा के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, नाटक के माध्यम से संस्कृत संभाषण का इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। छोटे छोटे विद्यार्थी जो हैं शब्द रूप, धातु रूप गीतों के माध्यम से स्मरण कर चुके हैं। तो मुझे यहाँ 4-5 दिन में जो बोलना आ गया है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को संस्कृत बोलना और सीखना चाहिए और इस भाषा को हमारी लोकभाषा बनानी चाहिए। इस भाषा को लोकभाषा बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को, गृहिणी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको ये सीखना जरूरी है। और यहाँ आदिकाल में जो पढ़ाया जाता था, जिस तरह से गुरुकुल के हिसाब से, वैसे ही शिक्षण दिया जा रहा है। अभी मुझे जरूरत इसलिए महसूस हुई कि अगर हम कुछ अपने ग्रंथ पढ़ना चाहें, गीता पढ़ना चाहें या अपना कुछ भी अच्छी चीज़ पढ़ना चाहें, तो उसके लिए संस्कृत में हमें हिंदी में अनुवाद तो मिल जाता है, लेकिन जो जो एक आनंद आता है ना संस्कृत को अक्षर समझने का, वो मैं समझना चाह रहा था। 50 विद्यार्थी इसमें नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। जो पहले संस्कृत नहीं बोलना जानते थे, वो भी इस सतत प्रयास के तहत, संस्कृत भारती के सतत प्रयास के तहत संस्कृत बोलना सीख रहे हैं। और ये विद्यार्थी 10 दिवस तक लगातार आएंगे तो काफ़ी संस्कृत बोलना प्रारंभ करेंगे। संस्कृत भारती का एक ही उद्देश्य है कि संस्कृत को जनवाणी बनाना। यहाँ पे एक संस्कृत भारती का अच्छा कैंप लगाया, उसमें हमें बहुत सारी संस्कृत की वार्तालाप करना सिखाया जाता है और हम इसे हमारे घरों में भी ट्राई करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे सारे ग्रंथ भी संस्कृत में लिखे, इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस कैंप में बहुत सारी संस्कृत सीख रहे हैं और हमारे महोदय हिम्मत सिंह जी हमें बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ सिखा रहे हैं, जैसे कहीं जाना हो उसको बोलना, कहीं दूसरी जगह जाना हो उसको बोलना, किसी अगर अपना नाम बताना है उसको बोलना, किसी से वो मतलब नाम पूछना उसको बताते हैं। जैसे हमारे घर पे मेहमान आए उससे कैसे वार्तालाप करनी है, वैसे ऐसी हर चीज़ें बताते हैं।